Hello everybody, welcome to my YouTube channel Happy Box. We are unboxing today Canon IR4235 machine. This is my new machine. Hi दोस्तों, ये मेरी Canon की इमेज रनर एडवांस 4235 मशीन है, फोर ट्रे में विथ फिनिशर्स, जो कि सेट आपको कॉपी का सेट बनाकर देगी. एंड दिस इज एडियस, ये बैक टू बैक एंड सिंगल साइड एडियस है. इसमें आप कॉपी भी कर सकते हैं और कॉपी को स्कैन भी कर सकते हैं आपके सिस्टम पर. ओके, ये इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से होते हैं ना वैसा डिस्प्ले है. आप देख सकते हैं इसमें कॉपी ऑप्शन है, स्कैन एंड सेंड, स्कैन एंड स्टोर कर सकते हैं आप, या तो मशीन में या नहीं तो आप यहाँ से पेन ड्राइव ऑप्शन है, यहाँ पर पेन ड्राइव लगाकर कुछ भी फाइल्स को आप स्कैन करके उसमें स्टोर कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन बताता हूँ मैं, कॉपी ऑप्शन. ये देखिए कॉपी का डिस्प्ले ऐसा आएगा. इसमें बहुत सारे सेटिंग्स है, आप आईडी सेटिंग्स भी है इसमें, 2-in-1, 4-in-1, 8-in-1. ओके, कॉपी रेशियो है, आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं. एंड दिस इज मेन मेनू ऑप्शन बटन, दिस इज स्कैन एंड सेंड. ओके, तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं. ये मेरा शॉप नेम है, सिस्टम का नेम है मेरा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया. अब मैंने यहाँ पर एक पेपर लगाया, देखिए एक पेपर लगाया मैंने. ओके, यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, पीडीएफ, पेपर साइज क्या चाहिए आपको वो ले सकते हैं आप, A4. ओके, पीडीएफ में चाहिए मुझे, पीडीएफ कर लिया मैंने, ऑटो कलर है. तो मैं यहाँ से स्कैन का इसका कॉल बटन दबाऊँगा, देख सकते हैं आप ये स्कैन हो गया, सेंड कंप्लीट हो गया. यहाँ पर सिस्टम में आ गया है. ऐसे ही बैक टू बैक भी कर सकते हैं आप, सेम सेटिंग्स, एड्रेस बुक, यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं आप बैक टू बैक. ओके, टू साइड ओरिजिनल. ओके, स्कैन है काफ़ी फास्ट है इसका, स्कैन हो गया, स्कैन हो गया, कंप्लीट हो गया. दिस इज मेन मेनू, दिस इज क्विक मेनू. यहाँ पर आप अपनी कस्टमाइज सेटिंग्स रख सकते हैं क्विक मेनू में. ओके, चेक कर दिया मैंने, एनर्जी सेविंग ऑप्शन है इसमें, सेटिंग्स, स्टॉप, स्टार्ट, रिसेट सेटिंग्स. एंड यहाँ पे पिन ड्राइव ऑप्शन है, पिन ड्राइव से आप लगा कर प्रिंट भी दे सकते हैं एंड इसमें स्कैन करके स्टोर भी कर सकते हैं. मैं आपको पिन ड्राइव लगा कर बताता हूँ. अभी आप स्कैन एंड स्टोर में जाएंगे, मेमोरी मीडिया, यहाँ पर आपको ये बता देगा पेन ड्राइव का नाम जो भी है, आप इसे ओपन करके इसमें स्कैन कर सकते हैं, फोल्डर न्यू बना सकते हैं. ओके, इसी तरह आप इसे एक्सेस स्टोर्ड फाइल यानी कि ये पेन ड्राइव में इसे डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं. देखिए आप ये पीडीएफ फाइल आपको प्रिंट करना है, बस इस पर क्लिक कीजिए एंड प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए. यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा आपको पेपर कौन सा लेना चाह रहे हैं. ओके, पेपर सेलेक्ट कर लीजिए. ओके, बैक टू बैक चाहिए, सिंगल चाहिए, उसके बाद स्टार्ट प्रिंटिंग कर दीजिए, आपका प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा. ये देखिए आप Canon की ब्रांडिंग है, ये A3 साइज़ का मशीन है, A3 साइज़ कॉपी प्रिंट आप दोनों कर सकते हैं इसमें. एंड कलर स्कैनर है, ये वाइट स्कैनिंग जो रहता है ना, कलर स्कैनर रहता है.
काफ़ी अच्छा मशीन है, अभी तो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा मशीन है, क्वालिटी भी एकदम बेस्ट है इसकी। ये देख सकते हैं शार्प ने फोटोज़ की कैसी है ये। टेक्स्ट ये देखिए आप, ये इसका ओपन करते हैं अपन। यहाँ पर आप पिन लोड कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक पिनिंग मशीन है, यानी कि थ्रेड बनकर ऑटोमेटिक पिन भी हो जाएगा आपको। यहाँ से पिन लोड कर सकते हैं एंड यहाँ देखिए आप, दिस इज टोनर बॉक्स। ये टोनर बॉक्स को निकाल कर आप रिफिलिंग भी कर सकते हैं, अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, न्यू मशीन है मेरा। ये बंद कर देते हैं इसको, ओके। एंड दिस इज़ फिनिशर्स, ये आप फर्स्ट, ये एक आउटपुट है, ये एक आउटपुट है। यहाँ पर आप कॉपी, यहाँ पर आप प्रिंट ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, सेपरेट सेपरेट आपको आ जाएगा। अब देखिए मैंने इस पर प्रिंट दिया है, ट्रे शफलिंग कैसा होता है देखिए आप। देखिए आप, बहुत ही एडवांस मशीन है, पर अब प्रिंट आ रहा है। ये 35 कॉपीज पर मिनट का मशीन है, प्रिंट आ गया। ओके,